हमारी क्लास क्लास लास्ट क्लास जो हमारी थी वो हमने आपको कई सारी चीज़ें बताई थी। ठीक, ये चैप्टर जो हमारा है चैप्टर 1 चल रहा है जूलॉजी का, और इसमें हमने आपको रिप्रोडक्शन के बारे में कई सारी चीज़ें बताई थी। जितना भी हमने रिप्रोडक्शन करा दिया था उन सब चीज़ों में हमने, चाहे वो हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो, असेक्सुअल हो या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें हमने आपको डिस्कस कराई थी। ठीक, और जो लैंगिकता होती है जीवों में वो हमने आपको डिस्कस कराया था। ठीक है, ये सारे टॉपिक हो गया है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो हमको डिस्कस करिए, हमसे बताइए। ठीक, आज जो हमारा टॉपिक है उसमें निषेचन जब हो जाता है या निषेचन के पहले क्या होता है और निषेचन के बाद क्या होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो होता है, फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है। आपको फर्टिलाइजेशन मालूम है कि क्या होता है, वेन टू और मोर देन या वेन मेल एंड फीमेल गैमेट आर फ्यूज टुगेदर इट फॉर्म जाइगोट, आफ्टर दैट इट फॉर्म एम्ब्रियो, और उसके बाद ही एक न्यू ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है। ठीक, ये निषेचन है। अब निषेचन के पहले क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या परिघटनाएँ होती हैं, क्या क्या सिचुएशन होती है, ये सारी चीज़ें हम आपको आज बताएंगे। ठीक, तो हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट वो क्या है, निषेचन पूर्व घटनाएं। ठीक, या क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक, कौन कौन सी घटनाएं होती है, ये सारी चीजें हमने बताना है। ठीक, तो जैसा कि आपके मालूम है कि निषेचन के बारे में, निषेचन होता क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, बहुत सारी घटनाएं होती हैं। ठीक, निषेचन क्रिया में आपको पता है कि नर और मादा, मेल और फीमेल जो गैमेट होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, गैमेट का मीन्स क्या है, एन प्लस एन स्क्वायर टू टू एन। ठीक है, ये चीज़ होती है जिसमें ये क्या है, गैमेट, ये मेल गैमेट होता है, क्या होता है, मेल। ठीक, और ये हमारा गैमेट जो होता है वो क्या होता है, फीमेल। ठीक, जब ये दोनों फर्टिलाइज होते हैं तो जायगोट फॉर्म करते हैं, जायगोट, और इसी के बाद क्या होता है, एम्ब्रियो फॉर्म होता है, और एम्ब्रियो के फॉर्म होने के बाद ही कोई भी न्यू ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जन्म लेता है। ठीक, तो इसमें क्या है, बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम आते हैं निषेचन पूर्व घटनाओं में। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसमें दो स्टेजेस सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, एक युग्मक जनन जिसे हम गैमेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो हमारा होता है, ठीक, वो युग्मक स्थानांतरण, मतलब गैमेट्स जो होते हैं वो कैसे ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, ये दोनों घटनाएं इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं। हमने आपको युग्मक जनन के बारे में पहले भी बताया है। युग्मक जनन क्या है, युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, या युग्मक निर्माण की प्रक्रिया जो होती है वो क्या होती है, गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। ठीक है, क्या है, गैमेटोजेनेसिस। ठीक, युग्मक का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, युग्मक फॉर्मेशन ही हमारा क्या कहलाता है, गैमेटोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, गैमेटोजेनेसिस है। ओके, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्या होती हैं, जैसे युग्मक, जैसे मेल और फीमेल की हम बात करें, ठीक, तो मेल एंड फीमेल जो होता है, ठीक, वो क्या होता है, वो गैमेट अलग अलग फॉर्म होते हैं और अलग अलग निर्माण करते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो युग्मक जनन में क्या होता है, नर तथा मादा जो जनन अंग होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, मेल एंड फीमेल गैमेट जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं, और पार्टिसिपेट करने के बाद ही वो क्या होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं। ठीक, और फर्टिलाइजेशन के बाद ही एक न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, गैमेटोजेनेसिस होती है। इसमें क्या होती है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है इसमें। ठीक है, क्योंकि मेल एंड फीमेल गैमेट अगर आपस में मिल रहे हैं तो वो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। ठीक, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसके समय बनने वाले दो प्रकार की जो हैप्लॉयड सेल्स होती हैं आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, और जुड़ने के बाद ही क्या करते हैं, जायगोट को फॉर्म करते हैं। ठीक, तो ये हमारे क्या होती है, फॉर्म करती हैं, और उसके बाद वो युग्मक का निर्माण करती है। युग्मक जो होते हैं गैमेट अधिकांश जीवों में क्या होते हैं, डिफरेंटिएट सेल्स में अलग अलग तरीके से युग्मक प्रेजेंट होते हैं।
जैसे हमने आपको पहले ही बताया है कि किसी में मेल एंड फीमेल ऐसे जंतु जिसमें क्या होते हैं मेल एंड फीमेल एक ही पाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे जंतु हैं, जैसे हम केचुआ अर्थवर्म की बात करें तो उसमें मेल एंड फीमेल जो होते हैं वो एक ही में पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन और जैसे ह्यूमन बींग्स है उसमें मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है, ठीक। लेकिन इन सब में सभी में क्या होता है गैमेटोजेनेसिस होती है, मतलब युग्मक निर्माण की प्रक्रिया होती ही है, ठीक। युग्मकों के व्यवहार और रचना और प्रकृति के आधार पर इसको कई भागों में बांटा भी गया है। जैसे हमने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई पार्ट्स हमने आपको बताए थे, जैसे समयुग्मक, विषमयुग्मक, आइसोयुग्मक, है ना, ये सारे हमने पार्ट्स बताए थे। तो जो हमारा आइसोगैमेट होता है, ठीक, गैमेटोजेनेसिस में क्या है आइसोगैमस आइसोगैमस क्या होता है, इसमें जो गैमेट होते हैं वो समान होते हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों क्या होते हैं सेम होते हैं, और इसमें जो फ्लैजेला होता है दोनों मेल और फीमेल दोनों में फ्लैजेला निकले हुए होते हैं, और इसके बाद ही ये क्या करते हैं दोनों अलग जो प्लस और माइनस दोनों स्टेन के प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं आपस में संलयित होकर एक नए जीव को फॉर्म करते हैं, ठीक। ये हमारा क्या है आइसोगैमस है, जो कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं। इसके अंतर्गत जो आते हैं जैसे क्लेडोफोरा, क्लेमाइडोमोनास, ठीक, ये सारे क्या है इसके एग्जांपल हैं, क्लेमाइडोमोनास और क्लेडोफोरा, ठीक, ये इसके बहुत अच्छे एग्जांपल हैं, यूलोथ्रिक्स जैसे हो गया। उसके बाद एंडोगैमस जो होता है या एनआइसोगैमस, ठीक, क्या है एनआइसोगैमस, ठीक, एनआइसोगैमस जिसे हम विषमयुग्मक कहते हैं, इसमें क्या होता है मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक, इसमें क्या होते हैं मेल और फीमेल क्या होते हैं उनके अलग अलग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इसमें एक जो युग्मक होता है वो बड़ा होता है और निष्क्रिय होता है, ठीक, जो कि क्या होता है मेल कहलाता है, और जो दूसरा होता है वो क्या होता है वो छोटा होता है लेकिन सक्रिय होता है, ठीक, विषमयुग्मक में या एनआइसोगैमस में, ठीक। इसमें क्या है न जो मेल गैमेट है वो छोटा और सक्रिय होकर क्या होता है बहुत सारे उसमें फ्लैजेला निकलते होते हैं, फ्लैजेला की हमने बात करी थी कि किस तरीके की स्ट्रक्चर जो होती है वो सारे फ्लैजेलेटेड होते हैं, ठीक। तो जो मेल पार्ट होता है मेल गैमेट होता है उसमें क्या होता है फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, और वो क्या होता है कुछ अगर साइज की बात करें तो वो स्मॉल होता है, छोटा होता है और सक्रिय होता है, एक्टिव होता है, ठीक। लेकिन अगर हम फीमेल की बात करें तो वो कुछ बड़ा होता है लेकिन निष्क्रिय में पाया जाता है, और उसमें फ्लैजेला क्या होते हैं प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक। तो और फिर बाद में क्या करते हैं वो एंथरो जो मेल है वो एंथरोजॉइट्स को फॉर्म करते हैं, और जो फीमेल है वो क्या करते हैं धीरे धीरे ओवम या अंडाणु का निर्माण करते हैं, ठीक है, जो बाद में क्या करते हैं फ्यूज होकर एक नए जीव को जन्म देते हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या था विषमयुग्मक के बारे में था, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें बहुत सारे ऐसे डिफरेंटिएट पाई जाती है, अब युग्मक जनन के दौरान जो भी विभाजन होता है डिवीजन होता है वो कैसे होता है, जब गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया इन सबसे होकर गुजरती है तो बहुत सारे उसमें चेंजमेंट आते हैं, तो कौन कौन से चेंजमेंट आते हैं उसमें कौन सी डिवीजन पाई जाती है, तो कोशिका विभाजन होता है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन देखा गया है, ठीक। जब ये क्या करते हैं ये हमने जैसे कि बताया कि मेल एंड फीमेल जो गैमेट होते हैं फ्यूज होते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है डिवीजन होता है, डिवीजन मतलब विभाजन, ठीक है। जब कोशिका विभाजन की प्रक्रिया चालू होती है तो कोशिका विभाजन में ही क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन जो होता है अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है और समसूत्री विभाजन क्रिया भी होती है, ठीक। लेकिन क्या होता है समसूत्री विभाजन में एक से किसी दो सेल्स का निर्माण होता है, लेकिन जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो एक ही सेल जो होती है वो चार भागों में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन वही चार भागों जब जो उसमें न्यूक्लियस चार भागों में टूटता है तो उसमें से क्या होता है केवल एक जो केंद्रक होता है न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है एक्टिव स्टेज में होता है, जो कि आगे चलकर एक नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करती है। लेकिन जो तीन केंद्रक या न्यूक्लियस जो होते हैं वो क्या होते हैं धीरे धीरे वो खत्म हो जाते हैं, निष्क्रिय होकर पूरी तरीके से वो समाप्त हो जाते हैं, ठीक। तो इस तरीके से क्या होते हैं इसमें चेंजमेंट होती है, कोशिका विभाजन होता है, ठीक है, और कोशिका विभाजन के पश्चात ही क्या होता है आगे जाके बहुत सारी चीज़ इसमें होती है, ठीक है। इसके बाद जैसे कि ये हो गया हमारा, अब इसमें क्या होता है जैसे गैमेटोजेनेसिस हमने निषेचन के थ्रू करना है दो बताई, ठीक। अब क्या होता है जो सेल फॉर्म जो ट्रांसफर होता है गैमेट का, ठीक है,
क्या है, ट्रांसफर ऑफ गैमेट, ट्रांसफर ऑफ गैमेट, ठीक है, मतलब युग्मक का स्थानांतरण। अब ट्रांसफर ऑफ गैमेट क्या होता है, युग्मक स्थानांतरण, ठीक, ये क्या होता है, युग्मक स्थानांतरण मतलब युग्मकों का या गैमेट्स का ट्रांसफर होता है, ठीक है, इसी को हम कहते हैं युग्मक स्थानांतरण। ठीक, पहले जो था वो गैमेटोजेनेसिस था, मतलब गैमेटोजेनेसिस युग्मक का निर्माण की प्रक्रिया थी, जिसमें क्या होते थे, दोनों पार्टिसिपेट करते थे और जाइगोट को फॉर्म करते थे, ठीक, तो वो हमारी हो गई गैमेटोजेनेसिस में। अब जो युग्मक का स्थानांतरण है, इसमें क्या होता है, जो गैमेट होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, तो युग्मक स्थानांतरण की जो प्रक्रिया होती है वही हमारी क्या कहलाती है, गैमेट ट्रांसफर या युग्मक स्थानांतरण कहलाती है। इसमें क्या होता है, इसके दौरान जो गैमेटोजेनेसिस में निर्मित मेल एंड फीमेल पार्ट होते हैं वो निषेचन के पश्चात क्या होते हैं, एक दूसरे निषेचन के लिए एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, और अधिकांश जो मेल गैमेट होता है वो क्या होता है, एक्टिव होता है और कुछ छोटा होता है, ठीक, जो कि ये प्रक्रिया को संपन्न करता है। लेकिन उसी की जगह अगर हम फीमेल की बात करें, फीमेल गैमेट की बात करें, तो वो क्या होता है, कुछ बड़ा होता है, नॉन फ्लैजिलेटेड होता है और क्या होता है, निष्क्रिय होता है, इनएक्टिव होता है, ठीक, और इसमें क्या होता है, ये दोनों क्या होते हैं, जैसे अगर हम बात करें कुछ शैवाल की प्रजातियों में, तो शैवाल की प्रजातियों में पाए जाने वाला जो मेल एंड फीमेल होते हैं वो क्या होते हैं, दोनों युग्मक क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, मतलब गतिशील अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक, और इसकी गतिशीलता के कारण ही ये क्या करते हैं, एक दूसरे के संपर्क में बहुत जल्दी आ जाते हैं और निषेचन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं, ठीक, और इसमें क्या है, बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं, जैसे शैवाल हो गया, ब्रायोफाइटा हो गए, टेरिडोफाइट्स हो गए, ये सब सरल प्लांट्स होते हैं जिसमें क्या होता है, ये युग्मक का स्थानांतरण पाया जाता है, किसी न किसी तरीके से वो क्या करते हैं, युग्मक स्थानांतरित होते हैं, या हम ये कहें कि मेल फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होता है, अट्रैक्ट होने के बाद ही वो क्या करता है, फर्टिलाइज करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं या आवृत बीजी या अनावृत जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं, ठीक, उसमें क्या होता है, इसमें जितने भी स्थलीय पौधे होते हैं, ठीक है, जो ज़मीन पर पाए जाने वाले पौधे होते हैं, उसमें क्या है, निषेचन के लिए जल की आवश्यकता को समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि इसमें निषेचन की प्रक्रिया हो और जल आवश्यक हो, ठीक, ये ज़रूरी नहीं होता है। तो इन पौधे में क्या है, कोमल जो मेल पार्ट होते हैं वो कैरियर का काम करते हैं और परागकणों द्वारा किया जाता है, ठीक है, जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है, ठीक है, हमने पॉलिनेशन की प्रक्रिया बताया है और आगे भी हम आपको नेक्स्ट आगे वीडियो जो बनेगा, ठीक है, वो पॉलिनेशन के ऊपर बेस होगा, तो उसमें आपको पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी। मीन्स जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उसमें क्या है, जो मेन पार्ट होता है वो फ्लावर होता है और फ्लावर में ही मेल एंड फीमेल पार्ट पाए जाते हैं, जिसमें क्या होता है, पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है, पॉलिनेशन की प्रक्रिया के दौरान ही क्या होते हैं, जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिग्मा पर पहुंचकर उसके बाद क्या है, ओवरी में पहुंचकर क्या करते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, इस तरीके से वहां पॉलिनेशन की प्रक्रिया और जो फर्टिलाइजेशन होता है वो सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाती है, पूरी होती है, और उसके बाद जाइगोट फॉर्म होता है, तब जाके एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है, ठीक, तो ये सारी चीज़ जो है निषेचन के पूर्व जो घटनाएं होती हैं तो वो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, ठीक, अगर इसमें ये सारी चीज़ें ना हो तो शायद कोई भी न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म भी नहीं होगा, ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। अब हमने बता दिया कि निषेचन के पहले कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, अब निषेचन के बाद होने वाली घटनाएं कौन कौन सी क्या है, निषेचन घटनाएं, ठीक, या पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक। अब निषेचन की पूर्व हमने बता दिया क्या है, गैमेटोजेनेसिस, और दूसरा जो बताया है वो गैमेट का ट्रांसफर, ठीक। अब ये सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद निषेचन होता है, ठीक, निषेचन क्या होता है आपको पता है, निषेचन के बाद कौन कौन सी प्रक्रियाएं चालू होती हैं, ठीक, मतलब क्या है, निषेचन जब हो गया, जाइगोट फॉर्म हो गया,
ठीक, जाइगोट फॉर्म होने के बाद की जो घटनाएं हैं वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, पोस्ट निषेचन घटनाएं कहलाती हैं या पोस्ट निषेचन फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहलाता है। ठीक, इसमें क्या होते हैं जो जाइगोट होते हैं लैंगिक, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही के बाद ही क्या होता है मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं और जाइगोट को फॉर्म करते हैं। ठीक, और इसके बाद क्या है जो जाइगोट होता है वो निषेचन के प्रकार पर निर्भर करता है। ठीक है, मतलब किस प्रकार का वहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ है उस फर्टिलाइजेशन के आधार पर ही ये सारी चीज़ें होती हैं। जिस जीवों में बाह्य निषेचन पाया जाता है उसमें जल की मात्रा पाई जाती है, लेकिन जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें जरूरी नहीं है कि जल आवश्यक हो। ठीक है, और इसमें क्या होता है ये जीवन चक्र बहुत तेज़ी से चलता है और इसके बाद ही किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी एम्ब्रियो का निर्माण होता है। ठीक है, निषेचन के बाद जो घटनाएं होती हैं वो निषेचन से ही प्राप्त होती है, अर्थात निषेचन ही इन निषेचन में होने इसमें होने वाली परिघटनाओं का प्रेरक होता है, और उसके बाद डीएनए की पूरी जो जीवन या ब्लूप्रिंट के रूप में स्थित होता है। ठीक है, मतलब जैसे ही क्या होता है जाइगोट फॉर्म होता है, जाइगोट के बाद फिर क्या होता है एम्ब्रियो फॉर्म होता है, एम्ब्रियो के बाद एक न्यू ऑर्गेनिज्म होता है। ये सारी घटनाएं जो हैं बहुत निरंतर चलती रहती है। ठीक है, और निरंतर चलने के बाद ही एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। अगर ये सारी घटनाएं में कोई भी बीच में अगर कुछ हट जाए तो शायद ये घटना प्रारंभ या चालू ही नहीं होगी, ख़त्म हो जाएगी समय से पहले ही। ठीक है, इसी के बाद क्या होता है भ्रूण का निर्माण होता है, और भ्रूण के निर्माण में क्या होता है इसमें एक कोशिकीय युग्मनज से कोशिका विभाजन के द्वारा बहुकोशिकीय एम्ब्रियो का निर्माण होता है। ठीक, क्या होता है मतलब जो भ्रूण का निर्माण की प्रक्रिया है या हम कहें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है, जब जाइगोट फॉर्म हो जाता है तो जाइगोट के फॉर्म होने के बाद की प्रक्रिया क्या कहलाती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहलाती है, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद ही जो जटिल प्रक्रिया होती है, ठीक है, वो जटिल प्रक्रिया वहाँ से ही प्रारंभ होती है, और प्रारंभ होने के बाद ही भ्रूण धीरे धीरे क्या करता है ग्रोथ करता है, उसको भ्रूण को जो पोषण है वो भ्रूणपोष से मिलता है, मीन्स जो एंडोस्पर्म होता है, और जो एम्ब्रियो होता है एम्ब्रियो एक खोल में बंद होता है जिसे हम एम्ब्रियो सैक के नाम से जानते हैं। ठीक है, या भ्रूण कोष के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक, और उसके बाद ही क्या होता है जब ये सारी प्रक्रिया हो जाती है तब सेल डिवीज़न होता है और सेल का डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, मतलब कोशिका विभाजन होता है और उसमें क्या होता है विभेदीकरण होता है सेल का, और उसी के बाद क्या होता है कई सारी प्रक्रियाओं के प्रारंभ होने के बाद संपन्न होने के बाद ही एक नए ऑर्गेनिज्म जो होता है वो फॉर्म हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये सारी निषेचन के पहले कौन कौन सी घटनाएँ होती हैं, निषेचन होता है और उसके बाद कौन कौन सी घटनाएँ चालू होती हैं, ये सारी घटनाएँ क्या हैं पूरी होती हैं, और तब जाके ही एक एम्ब्रियो फॉर्म होता है और एम्ब्रियो फॉर्म होने के बाद ही एक न्यू ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है। ठीक, ये हमारा क्या था निषेचन के पहले और निषेचन के बाद होने वाली कौन कौन सी घटनाएं होती हैं ये। ठीक, तो आज के टॉपिक में इतना ही रहेगा, आप लोग अच्छे से वीडियो देखिए, कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताइए। पहले भी जैसे हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं वो क्वेश्चन हम फिर से पूछ रहे हैं, पहला जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन, निषेचन क्या है, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो भ्रूण कोष या एम्ब्रियो सैक किसे कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोष किसे कहते हैं। तीसरा, निषेचन के पहले होने वाली घटनाओं में कौन कौन से दो अवस्थाएं शामिल होती हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हमारा है कि जाइगोट क्या है या जिसे हम क्या कहते हैं युग्मनज, व्हाट इज जाइगोट एक्सप्लेन इट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो जो विषम युग्मक है, ठीक, या एन आइसोकैमस किसे कहते हैं संधि, ये पांच क्वेश्चन हैं, इसके भी आंसर आप लोग दीजिए। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए, आप लोग फेयर कॉपी बना लें, अच्छे से आप लोग काम करें, और वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो हमसे डिस्कस करिए, ध्यान रखिए आपका ये चैप्टर फर्स्ट है जूलॉजी का। ठीक है, अभी तक हमने आपको जो वीडियो दिए थे वो बॉटनी के दिए थे, ठीक, चैप्टर फर्स्ट के।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। ये हमारा क्या है, रिप्रोडक्शन है जो कि जूलॉजी से रिलेटेड है। ओके, हैव अ गुड डे।